देश की शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को सजा क्या सुनाई कि कांग्रेस पार्टी भड़क उठी। आइए हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने रिहाई पर क्या कहा। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि जेल से रिहाई होने के बाद नलिनी श्रीहरन ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट के फैसले को पूरी तरीके से अस्वीकार करते हुए कहा कि देश की शीर्ष अदालत ने भारत की भावना के अनुरूप कदम नहीं उठाया। कांग्रेस पार्टी ने अपने बयान में कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश की भावना के अनुरूप कार्य नहीं किया। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को मुक्त करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अस्वीकार्य है। कांग्रेस पार्टी इसकी आलोचना करती है और इसे पूरी तरीके से अक्षम्य मानती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वीवी नागरत्ना की पीठ ने जेल में दोषियों के अच्छे आचरण को ध्यान में रखते हुए रिहाई करने का आदेश दिया है। इसी बीच कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिलने के बाद नलिनी श्रीहरन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। नलिनी श्रीहरन ने समाचार चैनल न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि मैं जानती हूं, मैं आतंकवादी नहीं हूं। मैं इतने सालों तक जेल में रही। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया। विश्वास रखने के लिए मैं तमिलनाडु के लोगों और सभी वकीलों को धन्यवाद देती हूं।